मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था अप टू द फोर्थ पॉइंट दैट वॉज इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस टुडे वी आर गोइंग टू अगेन कंटिन्यू विद इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस विद इंटेरोगेटिव वर्ड्स सो इन द एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क अब, तो so अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हो रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ हैज और हैव का यूज़ पैसिव वॉइस में भी हम देखेंगे हैज़ हैव का यूज़ हो गया और नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट और यहाँ पे बीन और हमें पता ही है ऑब्वियसली कि बाय का यूज़ भी होता है पैसिव वॉइस में जैसे वाई हैज़ ही नॉट कम्प्लीटेड हिज़ वर्क वाई हैज़ हिज़ वर्क नॉट बीन कम्प्लीटेड बाय हिम नाउ फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अब हम पढ़ने वाले प्रेजेंट जो अभी हो रहा है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन हैज़ हैव प्लस बीन तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला लर्न करना है दैट इज़ हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस आई एन जी सो फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस तो पॉजिटिव सेंटेंसेज के लिए यूज़ होता है सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स या फिर फौर या और प्लस टाइम और फुल स्टॉप तो इसको एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ जैसे यहाँ पर सिंस और टाइम का यूज़ हो रहा है सिंस इज़ यूज फॉर अ फिक्स्ड टाइम फॉर इज़ यूज फॉर अ अनफिक्स्ड टाइम जब हम कोई फिक्स्ड टाइम की बात कर रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे सिंस का और जब हम अनफिक्स्ड टाइम की बात कर रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे फौर का ही हैज़ बीन सिंगिंग अ मेलोडी सिंस मॉर्निंग तो यहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम है कि वो मॉर्निंग में ही मेलोडी सिंग कर रहा है इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ हुआ है और पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर इज़ नो नीड ऑफ पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग टेंसेस तो इन टेंसेस में हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपको याद रखना है कि हम किस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का यूज़ करते हैं और किस में हमें पैसिव वॉइस का नीड नहीं है जैसे कि टेंस नंबर फोर में दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसके आगे जब हम पढ़ेंगे टेंस नंबर एट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देन सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस तो अभी हम लोग का ये क्या चल रहा है अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस फोर्थ वाला पढ़ रहे हैं हम जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस तो इसमें क्या है पैसिव वॉइस नहीं है सो हेयर इट इज रिटर्न सब्जेक्ट हैज है सब्जेक्ट का यूज नेगेटिव सेंटेंस सेम टू सेम जैसे हमने पॉजिटिव में पढ़ा था सिंस का यूज होगा और आई एन जी का भी यूज होना है फॉर और टाइम का भी यूज होगा पर यहाँ पे नेगेटिव के लिए हम हमेशा यूज करते हैं नॉट का दे हैव नॉट बीन मूविंग ऑन एथिकल पाथ सिंस टू थाउजेंड फिफ्टीन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछना हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे भी सिंस और टाइम हैज़ ही नॉट डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग तो यू नो वेरी वेल वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटेरो वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन नो यूजिंग हैज़ और हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दैन फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अब क्वेश्चन तो पूछेंगे बट इन द नेगेटिव सेंटेंस मीन्स वी आर गोइंग टू राइट नॉट हैव द नॉट बीन कॉलिंग फॉर यू टू डेज ना फिफ्थ वन इज इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस विथ इंटेरोगेटिव वर्ड्स इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे इसमें वाई हेज़ ही नॉट बीन कीपिंग हिस्स प्रमिस फॉर थ्री मंथस तो यहाँ पर भी सिंस है टाइम है आई एन जी है वर्ब है ऑब्जेक्ट है एंड नेगेटिव के लिए नॉट है और वाई इज इंटेरोगेटिव वर्ड सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पास्ट इनडेफिनाइट टेंस आइडेंटिफिकेशन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो इसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं या फिर डिट के साथ फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप शी अब्यूज अस पैसेव वॉइस वी वर अब्यूज बाय हर तो यहाँ पर सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म है पर पैसेव में यूज हो रहा है वॉज और वर का नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का यूज़ करेंगे प्लस इसमें हम यूज़ करेंगे वॉज और वर का नॉट माई सेंटिमेंट्स वर नॉट हर्ड बाय देम इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी आर वे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन डिट से हम यहाँ पे डिट का यूज करके क्वेश्चन यूज क्वेश्चन पूछेंगे एक्टिव वॉइस में और वॉज और वर्क का यूज़ करके पैसिव वॉइस में क्वेश्चन फॉर्म करेंगे डिड यू रैलिश दिस फूड वॉज दिस फूड रैलिश बाई यू एंड देन फोर्थ में इंटेरोगेटिव के साथ क्वेश्चन के साथ नॉट का यूज़ होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विथ इंटेरोगेटिव वर्ड में हमें पता है वाई का यूज़ होगा डिट का भी यूज़ होगा नॉट का भी यूज़ होगा जैसे कि हमने आगे भी पढ़े हैं वैसे ही इनका फॉर्म्स चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पर डिड एड हो चुका है नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विथ अवर सिक्स टेंस दैट इज पास कंटिन्यू टेंस